उत्तराखंड वन विकास निगम में हुए लाखों की लकड़ी नीलामी घोटाले मामले में एक डिपो अधिकारी सहित चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों लकड़ी की नीलामी हुई थी, जिससे जुड़े प्रपत्रों में काफी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं महेश चंद्र आर्य ने ये सख्त एक्शन लिया। वन विकास निगम कुमाऊं के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र आर्य ने बताया कि लालकुआ स्थित डिपो नंबर 5 में नीलामी लकड़ी बिक्री में करीब 9 लाख का घोटाला सामने आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से नीलामी के प्रपत्रों में छेड़छाड़ हुई है। विभागीय कार्रवाई करते हुए लालकुआ डिपो नंबर 5 में डिपो अधिकारी सहित चार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही चारों के खिलाफ लालकुआ कोतवाली में आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले दिनांक 17 जून 2023 के नीलाम में लगभग 8,77,000 रुपया का कुछ मामला सामने आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस मूल्य पर नीलाम में लकड़ी बिकी उससे मूल्य कम बिलों में कर दिया गया वहाँ के कर संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के द्वारा। क्रेताओं के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी, और ये तो बड़ा संज्ञेय अपराध है। तो ऐसे में उनके जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, निलंबन इत्यादि, ये सब कुछ तो होगा ही होगा। साथ ही क्योंकि ये गबन का मामला, तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।